नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। स्वागत है आपका HS न्यूज के लंच बुलेटिन में। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कानून को लेकर कोर्ट में 59 याचिकाएं दायर की गई हैं। मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों, हिंसा और फिर पुलिस कार्रवाई के मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये कहते हुए इनकार कर दिया था, हम इन याचिकाओं को क्यों सुने, आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। इतना ही नहीं, कोर्ट ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने का भी कोई आदेश नहीं दिया और न ही मामले की जाँच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जाँच कमेटी गठित की। जामिया हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ समेत जामिया के 3 छात्रों पर FIR दर्ज कर ली है। FIR के मुताबिक स्थानीय नेता आशु खान, मुस्तफा, हैदर के अलावा जामिया के स्टूडेंट और लेफ्ट छात्र संगठन आइसा के चंदन कुमार, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के मेंबर और जामिया के छात्र आसिफ तन्हा और आप समर्थित छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति से कासिम उस्मानी को भी भीड़ को भड़काने के आरोप में FIR में शामिल किया गया है। FIR में कहा गया है कि आसिफ खान, आशु खान और कांग्रेस के पूर्व विधायक पिछले 2-3 दिनों से छात्रों को भड़का रहे थे और छात्रों के बीच में घूम घूम कर नारेबाजी कर रहे थे। FIR में आगे लिखा है कि सभी ने NRC और नागरिकता कानून के खिलाफ नारेबाजी की है। आगे पता चला कि प्रदर्शनकारियों ने आगजनी कर पथराव किया था। जामिया हिंसा मामले में मानवाधिकार कानून नेटवर्क की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। केंद्र और राज्य सरकार की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस SA बोबड़े ने कहा, छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादतियों की जांच करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, शीर्ष न्यायालय और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की अध्यक्षता में उचित समिति गठित करेंगे। दिल्ली के सीलमपुर हिंसा मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उत्तर पूर्वी जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा के बाद पुलिस आज सतर्कता बरत रही है। दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में धारा 144 लगा दी गई है, जबकि पुलिस के द्वारा गश्त भी लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट CP ईस्टर्न रेंज आलोक कुमार का कहना है, नॉर्थ ईस्ट जिले में एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू की गई है। गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में क्षेत्र के घोषित अपराधी भी हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस कई अन्य आरोपियों के घर पर रेड करने की तैयारी में है। झारखंड में चुनावी रैली के दौरान नागरिकता संशोधन कानून को लेकर PM मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लागू करके दिखाएं। मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून ना तो किसी भारतीय के अधिकार लेता है और ना ही उसे किसी तरह नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, विपक्षी पार्टी भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है। मोदी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से गंदी राजनीति बंद करने और देश के सामाजिक ताने बाने को नष्ट नहीं करने को कहा। झारखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। कल 5वें चरण के लिए वोटिंग की जाएगी। इस चरण में 16 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, मंत्री लुईस मरांडी, मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री प्रदीप यादव, पूर्व स्पीकर आलमगीर आलम जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी है। हेमंत 2 सीटों दुमका और बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री नलिन सोरेन पर भी नजरें रहेंगी, जो 7वीं बार लगातार जीत हासिल कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फिर उनकी लगातार जीत का पहिया थमेगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में आज सुबह तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली तेज और ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत में ठंड का सितम बढ़ गया है। यह स्थिति कल यानी गुरुवार तक बनी रह सकती है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं और बादलों के चलते धूप नहीं निकल रही है, इस कारण ठंड और बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में यही हालात बने रहने की आशंका है। दिल्ली में ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मैच है। भारत के लिए आज करो या मरो की स्थिति है। पहले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर विंडीज ने 1-0 से बढ़त ले ली है और अब उसकी नजरें सीरीज जीतने पर हैं। मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।
दूसरे मैच में भारत गेंदबाजी में बदलाव कर सकता है। चेन्नई में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया था, लेकिन अंत में इन दोनों के आउट होने के बाद ज्यादा रन नहीं बना पाए थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बड़ी बात कह डाली है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा है, या तो हमें चुनो या मलेशिया को। सऊदी अरब के विरोध के बाद पाकिस्तान अपने दोस्त मलेशिया के नेतृत्व में होने वाली शिखर वार्ता से दूरी बना सकता है। पाकिस्तान की सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सोमवार को कहा, प्रधानमंत्री इमरान खान के बहरीन और स्विट्जरलैंड के दौरे से लौटने के बाद कुआलालंपुर समिट पर फैसला किया जाएगा। स्ट्रीट डांसर 3D के फैंस का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा जगत की सबसे बड़ी 3D डांस फिल्म बताया जा रहा है। स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म ABCD की तीसरी किस्त है। फिल्म का डायरेक्शन मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा कर रहे हैं। ये फिल्म टी सीरीज के बैनर तले रिलीज हो रही है। फिल्म में प्रभु देवा भी अहम किरदार में है। फिल्म अगले महीने यानी 24 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।